राज्य सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने नामकरण के लिए जब 3 महीने के बच्चे को लाया गया तब सीएम ने उस बच्चे का नाम पेसा रख दिया। बता दें सीएम शिवराज सिंह चौहान गुरैया ग्राम के आयोजित ग्राम सभा में पेसा एक के प्रचार करने पहुंचे थे। उसी दौरान दीपमाला नामक महिला अपने 3 महीने के बच्चे को लेकर सभा स्थल पर पहुंच गई। सीएम ने बच्चे को दुलारते हुए दोनों हाथों से ऊपर उठा लिया। जब बच्चे के नामकरण की बारी आई तो सीएम समेत मंच पर मौजूद लोगों ने उसका नाम पेसा रख दिया। आपको बता दें कि गुरैया में आयोजित ग्राम सभा में सीएम शिवराज सिंह ने पेसा एक्ट के फायदे के बारे में भी विस्तार से बताया। साथ ही सीएम की मौजूदगी में ग्राम सभा के द्वारा कई प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं। आपको बता दें मुरैया में आयोजित ग्राम सभा से पहले सीएम ने शाहपुरा में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने शाहपुरा में महिला सरपंचों से 1-to-1 चर्चा की। दूर दूर से पहुंचे हजारों की तादाद में ग्रामीणों को पेसा एक्ट के संबंध में विस्तार से जानकारी भी दी गई। नगरवासियों की मांग पर सीएम ने शाहपुरा नगर के मुख्य सड़क पर डिवाइडर और सिविल अस्पताल बनाने की घोषणा भी की है। ग्राम सभा हुई और गाँव की ग्राम सभा ने कई प्रस्ताव पास किए। एक प्रस्ताव पास किया कि तेंदुपत्ता वो तोड़ेंगे, दूसरा पास किया कि आसपास की वनोपज का संग्रहण करके वो ही बेचेंगे। उन्होंने विकास के कामों का भी मास्टर रोल देखने का उन्होंने फैसला किया। उन्होंने गांव की आंगनबाड़ी, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी और जो हमारी स्कूल ठीक से चले उसका भी प्रस्ताव पास किया कि वो देखेंगे। गांव की कोई रिपोर्ट, छोटे मोटे जो विवाद है थाने में नहीं जाएंगे, गांव में ही शांति और विवाद निवारण समिति निपटाएगी, ये फैसला किया। तो ग्राम सभा की शुरुआत हो गई है पेसा एक्ट को जमीन पर लागू करने के लिए।